का सुख निरोगी काया। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखे हुए है विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। ये विज्ञान कला और दर्शन का अनूठा मिश्रण है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण में भी इसी चिकित्सा पद्धति का उल्लेख मिलता है। जब तीर द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राजवैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी से उपचार की बात कही। संजीवनी बूटी बनाने के लिए 4 पौधों की आवश्यकता थी तथा इन पौधों को लाने के लिए हनुमान को द्रोणगिरी पर्वत भेजा गया, जहां हनुमान इन पौधों की पहचान नहीं कर पाए। इसीलिए वे पूरा पर्वत ही उठा लाए तथा राजवैद्य सुषेण ने दवाई का निर्माण किया और लक्ष्मण की जीवन रक्षा की। आयुर्वेद का प्रादुर्भाव तब से माना जाता है जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। दुनिया की सर्वप्रथम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही है। ये पुरातन काल से चली आ रही वही चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन और परीक्षणों से रोगों के इलाज के लिए औषधियों का निर्माण किया। एलोपैथिक से आयुर्वेदिक बहुत ज्यादा आगे है और हमारे ऋषि मुनि भी, हमारा परिवार भी इन्हीं आयुर्वेदिकों के अंदर पीछे से चलता हुआ आ रहा है। आज एलोपैथिक जिस हिसाब से हम लेते हैं, तुरंत टेबलेट ली, आराम मिला, परंतु उसमें इलाज नहीं हुआ। वो एक उस टाइम के अंदर पेन रिलीफ है, आपको दर्द का आराम देगा, दस्त का रोकेगा, परंतु उसका इलाज नहीं हुआ। वो चंद टाइम बाद में फिर उसी तरह से आएंगे। गौर करने लायक बात ये है कि विश्व के वैज्ञानिक भी आयुर्वेद के सिद्धांतों का अध्ययन कर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने भी माना कि ये जीवन मूल्यों, स्वास्थ्य और जीवन जीने का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। यदि हम बात करें विदेशी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी की, तो इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेदिक चिकित्सा रोग का जड़ से नाश करती है। इन्हीं खूबियों को मद्देनजर रखते हुए निधि जूस एंड हर्बल उद्योग की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम लगभग 22 वर्षों से न केवल आयुर्वेद की सेवा कर रही है, बल्कि अपने अद्भुत प्रयोगों से कई जटिल रोगों का सफल इलाज भी कर रही है। 86 के अंदर बीमार हुआ, उसके अंदर पेट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरी रही। यहाँ जैसे ही चेक कराए गए, कोई बीमारी मुझे पेट की नहीं मिली और पेट में दर्द, खाना पीना सब बंद हो गया। तो हमारे बुजुर्गों का ये कहना था कि पेट की बीमारी में धरण जो है एक मेन चीज है और उसको चेक करो। और जैसे ही धरण चेक की गई तो मुझे नाभि खिसकी हुई मिली। उसके लिए त्रिफला मुझे यूज किया, उससे मुझे काफी फायदा मिला। तो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे रिकवरी करता गया नॉर्मली। और उसके अंदर मेन चीज जो रोल था, वो जैसे ही उसको बंद करने के बाद मैं आंवला लेना शुरू कर दिया। आंवले के यूज करने से मुझे मेरे शरीर के अंदर एनर्जी भी मिली। फिर मैंने ये प्रोडक्ट खुद के लिए ही बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इनको प्रयोग करते गए, खुद पर किया, अपनी फैमिली में किया, गांव के अंदर जैसे परिवार में मिले हुए थे उनके अंदर किया, तो इसका अंदर हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और आज से 20 साल हो गए मुझे इस पर प्रयोग करते हुए, जनता को देते हुए। और जैसे जैसे कई बीमारियों के अंदर इसका रिजल्ट आया है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, नाभि का खिसकना, और नाभि के लिए जो चीज हमने अपनी बॉडी पर प्रयोग की है ऑयल, उसी के द्वारा जैसे ही हम मरीज के ऊपर प्रयोग करते हैं तो 5 मिनट में रिजल्ट आता है। इन औषधियों का निर्माण पूर्णतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है और आधुनिकतम मशीनों द्वारा इन्हें पैक किया जाता है।
क्रेडेंस हर्बल के सहयोग से इन प्रयोगों द्वारा बनाई गई कुछ रामबाण औषधियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मुझे जुकाम खांसी और बलगम की कई सालों से शिकायत थी। मैंने 30 ml S1 दिन में 3 बार बिना पानी के लिया और सुबह और शाम पेन किलर मैंने गले और चेस्ट पे लगाया। मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। मुझे 2008 से इम्यूनिटी पावर की समस्या थी। मैंने निरंतर P1, S1 और D ऑयल का प्रयोग किया। उससे आज मैं काफी ही अच्छा महसूस करती हूँ। मुझे पिछले 4 सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मैंने कुछ टाइम से P1 एनर्जी जूस यूज किया दिन में 3 बार और D ऑयल की मालिश की। अब मुझे 90% तक रिलीफ है। दूध से, सब्जी से और दाल से एलर्जी थी। फिर मैंने P1 का उपयोग किया, दिन में 3 बार लिया और अब डी ऑयल भी लगाया पेट पर और कमर पे। अब मुझे काफी रिलीफ है। मेरे फादर को पिछले 10 साल से लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी थी और भूख कम लगती थी। बड़ी मुश्किल से एक समय खाना खा पाते थे, फिर भी प्रॉब्लम में थे। कुछ तेजाब की प्रॉब्लम भी थी उनमें, तेजाब बहुत ज़्यादा बनता था। तो करीब 8 महीने पहले मिस्टर संजीव बिश्नोई जी से मिला मैं, तो उन्होंने मुझे S1 के बारे में और D1 के बारे में बताया, डी ऑयल के बारे में बताया। तो उन्होंने तरीका भी बताया कि 3 समय S1 लेना है और 2 समय D1 का प्रयोग करना है, नाभि पे और पेट पे और कमर पे। तो पिछले 8 महीने से वो यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी रिलीफ है और वो 2 टाइम आराम से खाना खाते हैं। 6 मंथ से मैं क्या ड्रिंक का काफ़ी यूज़ कर रहा था, जिसके कारण मेरे स्वेलिंग वगैरह इन्फेक्शन काफ़ी हो गया था लीवर के अंदर। अभी मैं पिछले 2 महीने से S1 का यूज़ कर रहा हूँ और DOL का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को काफ़ी रिलीफ है और अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़े। इस प्रकार हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अब ये फिर से मानने लगी है कि आयुर्वेद से बढ़कर कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है।